बच्चों आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। बच्चों आज मेरे पास आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स है डिस्कस करने के लिए चैप्टर 5 के, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और मैं आपको रिटर्न वर्क भी भेजूंगा। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और सैटरडे या फ्राइडे को इससे रिलेटेड या तो मैं आपका टेस्ट लूँगा या आपको कोई एक्टिविटी करने को दूंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको हर वीक कोई ना कोई एक्टिविटी देता हूँ। लास्ट एक्टिविटी मैंने आपको दी थी डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गिव टू एग्जांपल। हमें हमेशा मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट क्यों करना पड़ता है, क्या रीज़न है? सो सिंपल सा रीज़न है जी, यूजफुल सब्सटेंस को नॉन यूजफुल से हमें दूर करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाय बना रहे हो तो चाय को पत्ती के साथ नहीं पी सकते ना, पत्ती को छानना पड़ेगा, तो इस करके हमें इनको सेपरेट करना पड़ता। तो आइए पढ़ें, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो मिक्सचर के, उनको सेपरेट किया जाता है इन, क्योंकि उसमें जो अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट है उससे रिक्वायर्ड कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। यूजफुल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हम सेपरेशन के मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, अगर हमने ग्रेन खरीदे हैं शॉप से और उनको हम उसके अंदर इम्प्योरिटी है, स्टोन है, हस्क है, हम उनको कैसे साफ करेंगे? अपने हाथ से उसको निकाल लेंगे, यानी इसको हैंड पिकिंग बोलेंगे। इसी तरह जब आप चाय बनाओगे, हम स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया कि हम क्यों सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल लेते हैं नॉन यूजफुल से। फिर अगला आपके पास एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस कर ली। फिर अगला क्वेश्चन है, विनोइंग क्या है, कहाँ पे ये यूज होती है? विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हैवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं हवा की मदद से। जब हवा चलती है, विंड ब्लो होती है, सो हैवियर कंपोनेंट अलग हो जाते हैं और लाइटर कंपोनेंट अलग। तो जब हम विनोइंग करते हैं ग्रेन की, सारा जो ग्रेन है वो नीचे आ जाता है और जो छिलका है वो हवा से उड़ जाता है। तो कहाँ कौन यूज करता है इनको बेटा, फार्मर यूज करते हैं लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द हैवियर कंपोनेंट। सो लाइटर कंपोनेंट क्या हो गए, छिलके हो गए, और हैवियर कंपोनेंट क्या हो गए, हमारे ग्रेन्स हो गए। जैसे आपके पास बेटा गेहूं है, बाजरा है, या फिर आपके पास राइस है, इन सब के छिलके हम विनोइंग के थ्रू अलग कर लेते हैं, ग्रेन अलग ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। बहुत आसान है, अगर आपकी जो दालें हैं, दालों के थोड़े छिलके भी रह गए हैं, ठीक है, आप इनको कैसे सेपरेट करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे जिसमें आप उनके छिलके रिमूव कर सकते हो और मिट्टी रिमूव कर सकते हो? तो जी हम इसके अंदर करेंगे जी डिकंटेशन भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। आपको दालों को भिगो देना है, जब आप पानी के अंदर दालों को भिगो दोगे, जब आप पानी को बहाओगे दाल के अंदर से, सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूँ। आप एक कटोरा लो, उस कटोरे के अंदर 2 कप दाल ले लो जिसको आपने साफ करना है, और उस कटोरे को पूरा पानी से भर दो। जब आप उसको पूरा पानी से भर दोगे तो सारा जो छिलका है और सारा जो डर्टी सब्सटेंसेस है वो ऊपर आ जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे, आप उस पानी को बहा दो, जब आप उस पानी को बहाओगे पीछे आपकी दाल बच जाएगी, ठीक है। सो आइए पढ़ लें, डर्ट पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द पर्ल्स आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द लेटर विद द वाटर। पानी से धोने से हम इसको साफ कर सकते हैं। हैवियर होने के कारण जो पल्स पार्टिकल्स हैं, पल्स से जो आपकी दालें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं। फिर डर्टी वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं डिकंटेशन के साथ, पीछे आपका जो प्योर पल्सेज रह गए जिसको आप आसानी से धोकर बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीविंग क्या है? सीविंग वो मेथड है जिसमें छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल से हम सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए तो बेटा छन्नी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, हम इसको घर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम अपने आटे को छानते हैं छन्नी से,
जब आप आटे को छन्नी से छानते हो तो जो छोटे पार्टिकल्स है वो छन्नी में रह रहते हैं, नीचे आटा आ जाता है आपका, और फाइन पार्टिकल्स जो बड़े पार्टिकल सॉरी छन्नी में रह जाते हैं, जो फाइन आपका आटा है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। और बजरी को भी इसमें अलग करते हैं, बजरी भी सेपरेट होती है, ठीक है। फिर आप सैंड वाले वाटर को पानी से कैसे सेपरेट करोगे? बहुत आसान है, आपको पता है कि सैंड पानी में नहीं घुलती, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए सैंड पानी में नहीं घुलती, और इसको हम कैसे करेंगे, एक तो जी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं, यानी हमारे जो अपना सैंड वाला पानी है, रेत वाला पानी है, उसको हम एज इट इज़ खड़ा रहने देंगे 2-3 घंटे, सारी सैंड नीचे बैठ जाएगी, आप पानी निकाल लो ऊपर से, पीछे सैंड रह जाएगी, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंगली सारी सैंड नीचे बैठ जाएगी। फिल्ट्रेशन से भी आप कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेनर के अंदर से इस तरह के पानी को पास करोगे, स्ट्रेनर हमारे घर वाली छन्नी नहीं चलेगी बेटा, ऐसी छन्नी चाहिए जिसके पार्ट जिसके जो होल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हों। जब इस तरह की छन्नी को यूज़ करेंगे, यानी खासकर तो बेटा फिल्टर पेपर यूज़ किया रहता है, तो सारी सैंड ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, हमारा पानी साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है शुगर को अगर हम लोगों ने आटे के साथ मिक्स कर दिया, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसको सीविंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि शुगर और वीट के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ में बड़ा डिफरेंस है, जो शुगर पार्टिकल का साइज़ है वो बड़े होते हैं, और जबकि जो वीट के पार्टिकल्स होंगे, हमारे जो आटे के पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत छोटे होते हैं। तो आपने बस छन्नी से उसको क्या करना है, छानना है, सारा जो आपका आटा है नीचे आ जाएगा, छन्नी में आपके शुगर पार्टिकल्स रह जाएंगे, क्योंकि वो छोटे होल उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और सीव बेटा सीखो, सीव, सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है, भूलना नहीं, सीव मतलब छन्नी। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, और मेरे पास हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए करें नेक्स्ट। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर? अगर आपको मड वाला मैटर वाटर मिला है, एक ऐसा पानी मिला है जिसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, उस पानी को आप कैसे साफ करोगे? सो यहाँ पे बेटा हम मेथड यूज करेंगे फिल्ट्रेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट को हम एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, और हमारे पास फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन के लिए कोई ना फिल्टर सब्सटेंस होता है। तो ये पढ़ें, क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम अ सिंपल सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। इस मेथड में हमने क्या करना है, मडी वाटर को एक कपड़े के थ्रू हमने पोर करना है, ठीक है, और उसको पोर और थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की मदद से भी आप ऐसे कर सकते हो। जो पानी है वो फिल्टर पेपर में से क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल का साइज है वो तो बेटा बहुत 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 छोटा होता है, और पीछे पीछे सारे का सारा बेटा आपका क्या रह जाएगा, सारे का सारा आपका मड इकट्ठी हो जाएगी, मिट्टी ऊपर रह जाएगी, सिर्फ आपका वाटर नीचे आ पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, जो हम कपड़ा यूज़ करेंगे, उसके जो होल्स का साइज़ बहुत बहुत माइन्यूट होगा, छोटा होगा, इतना छोटा होगा उसके होल्स का साइज़ कि उनके अंदर से ना बेटा सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्टिकल्स ही मूव हो पाएंगे। फाइनली जब वाटर पार्टिकल सारे नीचे, वाटर नीचे आ जाएगा सारा, ऊपर आपके फिल्टर पेपर में क्या बचेगा, मड्डी बचनी है, या आपके क्लोथ के अंदर क्या बचेगा, मड्डी बचेगी। सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, मैंने आज सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर के करा दिए, तो टोटल मैंने आपके साथ 7 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं आज। उसके बाद 8th है हमारे पास फिलिप्स, 9th है हमारे पास ट्रू फॉल, और 10th है हमारे पास एक क्वेश्चन। ये जो 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब भी हमारा मौका आएगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को है। सो उस लेक्चर में मैं आपको सारे इन फिलिप्स को एक एक करके समझाऊंगा, सारे आपको ट्रू फॉल्स करवाऊंगा, और 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा।
तो आज के लिए इतना ही। ये जो 7 क्वेश्चन है मैं आपको रिटर्न भी भेज रहा हूँ, इनको अपनी साइंस की कॉपी में अच्छे से लिख लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना मेरे से, आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर क्वेरी। आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, और वेट करना सैटरडे या फ्राइडे को, या तो मैं आपका टेस्ट लूँगा या एज़ यूजल कोई अच्छी एक्टिविटी आएगी तो आप अपने घर में कर सकते हो। और सभी बच्चों ने मिलकर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बेटा, तभी बात बनेगी। ओके, आपको एक एक्टिविटी मैंने चने की करवा दी थी, ठीक है, जिसमें हमने चनों के अंदर क्या करा, स्प्राउट किया था, और फिर मैंने अगली एक्टिविटी आपको डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के बारे में करवाई। तो अब मैं जल्दी आपको एक एक्टिविटी भेजने वाला हूँ सैटरडे या फ्राइडे को, वेट करना। और सभी ने उस एक्टिविटी को फिर करने के बाद उसकी फोटोज़ स्कूल के ग्रुप में पोस्ट करनी है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, एंड ऑलवेज बी रेडी टू वर्क हार्ड, ठीक है।